नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के तकसन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई में नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण किया है। नगर पालिका मंडल बांदीकुई के नव निर्वाचित चेयरमैन इंदिरा बैरवा ने रविवार को पूर्ण विधि विधान से पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान विधायक गजराज खटाना व निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना भी मौजूद रही हैं। इसी मौके पर आयोजित एक समारोह के दरमियान चेयरमैन ने बांदीकुई नगर के विकास का संकल्प लिया और कहा कि सभी चुने हुए पार्षदों को साथ लेकर वह विकास को गति देंगी। इस दौरान विधायक गजराज खटाना ने कहा कि सभी चुने हुए पार्षद अपनी प्रमुख 5 समस्याएं जानें और उनको प्राथमिकता दें। इस दौरान उन्होंने इसरदा बांध के पानी के प्रोजेक्ट पर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पूर्व की गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत से जिले में पानी की मांग की थी, जिस पर गहलोत साहब ने करीब 3100 करोड़ का टेंडर भी दिया था, लेकिन उसके बाद आई भाजपा सरकार ने प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हमने पुनः सरकार के समक्ष पानी की मांग को लेकर के इसरदा बांध का जिक्र किया है और उसमें गहलोत सरकार ने 900 करोड़ रुपए बड़ा करीब 4100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया। इस पर कार्य प्रारंभ भी करवा दिया। जो पानी 4 साल पहले मिलता था वो अब 2022 तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहर की मुख्य समस्या आगरा फाटक के लिए भी सभी पार्षदों को रेल मंत्री से एक साथ मुलाकात करनी होगी। इससे पूर्व निवर्तमान जिला प्रमुख गीता घटाना ने कहा कि बांदीकुई के विकास के लिए वे पूरी तरह तैयार भी हैं। साथ ही साथ पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर OP बैरवा, नगर अध्यक्ष अशोक काट, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंह बैरवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष पूरणमल शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।